नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कई व्यूअर ने कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग JSSC, झारखंड टेट, झारखंड सचिवालय सहित झारखंड से जुड़ी हुई पंचायत एवं राजस्व परीक्षा को लेकर के विशेष एक मार्गदर्शन दिया जाए। हम आज से ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला भाग है। इसमें हम बताएंगे झारखंड की जलप्रपात, नदी और भूमिगत स्रोत, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि झारखंड में ये पारसनाथ की आप तस्वीर देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंचा पर्वत है, राजमहल में स्थित है पारसनाथ, और वर्तमान में जैन धर्म के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। झारखंड के जलप्रपात में अगर देखा जाए तो इसमें मुख्य रूप से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह हुंडरू। आप जानते होंगे कि ये रांची से निकलता है और हुंडू जलप्रपात से सुवर्णरेखा नदी निकलती है और ये सीधा जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। बूढ़ा घाग, इसे लोघा घाग के नाम से भी जानते हैं, ये झारखंड के लातेहार जिला में है। ये सबसे ऊंचा है और 145 मीटर ये है। इसकी कोयल नदी जो है, इसका उत्तरी भाग जो है, उस पर ये स्थित है। दशम जलप्रपात तो आप जरूर जानते होंगे, कांची नदी पर है, और ये जलप्रपात अक्सर चर्चा में रहता है। यहाँ पर कई दुर्घटनाएं पूर्व में हो चुकी है। हेपात जलप्रपात है, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। हिरनी, जब आप पश्चिमी सिंहभूम जाएंगे तो वहां से रांची के रूट पर हिरनी जलप्रपात आपको अवश्य नजर आ जाएगा। रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है, जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। रजरप्पा घाघरी, ये भी लातेहार में है, ये उतना ऊंचा नहीं है, घाघरा नदी से ही इसका नाम है। जब आप नेत्रहाट की ओर जाएंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा। धरधरिया, ये लोहरदग्गा में है। इसी प्रकार से लातेहार में गौतम घाघ एवं कांति जलप्रपात भी है। नागफनी जलप्रपात है, ये गुमला में है, खास करके ये फेमस है बहुत। जुन्हा, या इसे गौतम धारा भी कहा जाता है, ये सुवर्णरेखा नदी पर ही है, और जब रांची जाएंगे तो वहां पर ये जलप्रपात आप देख सकते हैं। झारखंड में जलप्रपात जो है, अधिकांश जलप्रपात का निर्माण वाटरफॉल जो बना है उसका मुख्य कारण है चट्टानों का नीचे की ओर टूट जाना, यानी कि रिफ्टिंग होना। जब रिफ्ट वैली कहीं पर बनती है तो उस रिफ्ट वैली से हम आपको अलग अलग जगह के वाटरफॉल की तस्वीर दिखा रहे। देखिए ये बूढ़ा घाग, गौतम धारा, जोन्हा जलप्रपात, सारी की जानकारी आपको दे रहे हैं। दशम वाटरफॉल, सारी चीजों को आप इस समय में व्यू भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि झारखंड में नदियों की स्थिति क्या है, यानी कि सोन नदी से शुरुआत करते हैं। ये सोन नदी आपको पता होगा कि अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलते हुए ये नदी झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में बहती है और पलामू को बॉर्डर करती है। और जो कोयल नदी हमने जिक्र किया था ना, एक कोयल नदी जो है उसके साथ में कोयल नदी इसमें जाकर के मिल जाती है, और फिर सोन नदी जो है वो जाकर के गंगा में मिलती है। और कहाँ पर मिलती है गंगा में? पटना के पास में पाटलिपुत्र, जो तीन नदी के किनारे बसा हुआ है, उसमें से एक सोन, एक गंगा और तीसरा जो है वह है गंडक। ये तीनों के किनारे में पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ है। उत्तरी कोयल नदी तो आप जानते हैं, ये रांची के पठार से निकलती है और ये नदी सोन में मिल जाती है, जैसे आपको बताए डाल्टनगंज के पास से निकलती है। और इसमें औरंगा और अमानत, ये दो नदी है, छोटी नदी है, ये इसमें जाकर के मिल जाती है। कोयल नदी जो है, उत्तरी कोयल, ये तीन डिस्ट्रिक्ट को कवर अप करती है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट एवं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। और जो आप
बूढ़ाघाट जलप्रपात के बारे हमने जिक्र किया था, इस पर ही है। पुनपुन नदी, ये बिहार वाली जो पुनपुन है, ये हजारीबाग के पठार की ओर आती है, ये दूसरी वाली पुनपुन है। एक पुनपुन नेपाल से निकल कर के आती है और इसी को किकट बोलते हैं। जब आप इतिहास पढ़ेंगे झारखंड का, तो झारखंड को किकट प्रदेश भी महाभारत में लिखा हुआ है। तो ये नदी की लंबाई बहुत अधिक नहीं है और ये चतरा डिस्ट्रिक्ट और गया पटना के साथ उधर से जो आती है उसके साथ होते हुए ये नदी गंगा में मिल जाती है, पुनपुन वाली। कन्हर नदी है, कन्हर नदी ये पलामू के ही साइड में है और ये छत्तीसगढ़ से आ रही है और उसके बाद ये नदी पलामू और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट को सीमा बनाती है। ये जो हमने नाम बताया आपको कन्हर, कन्हर के बाद आपको बता दें फल्गु का नाम आपने जरूर सुना होगा कि ये छोटा नागपुर से ही निकलती है फल्गु, और इसमें छोटी छोटी कई धारा है, इसे निरंजन रिवर भी कहते हैं। और गया खास करके आप जानते होंगे, जहाँ पर पितरपक्ष का मेला लगता है फल्गु के किनारे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु में पानी रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, धार्मिक कारण है इसका। तो फल्गु नदी जो है ये गया से आगे बढ़ के पुनपुन के साथ मिल जाती है। सकरी नदी है झारखंड में और ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जब मुंगेर तक जाती है ये। आप कभी क्यूल नदी का नाम सुने होंगे, तो उसमें मिलकर के ये गंगा में मिलती है और रामायण में भी इस नदी का जिक्र है। इसके बाद चानन नदी है, चानन नदी भी छोटा नागपुर से ही निकलती है और राजगीर की ओर चली जाती है। पहले चूंकि बिहार झारखंड एक ही था, तो अब ये झारखंड से निकल करके बिहार की ओर जा रही है। दामोदर जो फल्गु, दामोदर जो हुगली में मिलती है दामोदर नदी, तो ये बंगाल का शोक इसको बोलते हैं और ये चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, यानी कि चार डिस्ट्रिक्ट से ये बहती है। और झारखंड की सबसे लंबी नदी अगर सोचा जाए तो दामोदर को ही बोलेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है और दक्षिण भारत में गोदावरी है, लेकिन इसे झारखंड में दामोदर को बोला जाएगा। बराकर इसकी सहायक नदी है और ये मिल जाती है पारसनाथ का जो हमने जिक्र किया था वहां पर। स्वर्णरेखा नदी, ये जमशेदपुर इसी के किनारे है और यहाँ से ये इस पर जोन्हा या दशम या हुंडू, तीन तीन जलप्रपात है और सभी रिफ्टिंग के चलते हुआ है। रिफ्ट वैली का भी निर्माण हुआ है। इसमें कांची, खरखई नदी है जमशेदपुर का, राडू नदी है, ये सारी मिल जाती है। और ये नदी बंगाल की खाड़ी में, हमने पहले भी बताया, दीघा के पास जाकर के मिलती है। बराकर नदी तो कोयला वाला क्षेत्र है ये, और हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के क्षेत्र में बराकर है। मैंथन डैम आप जरूर सुने होंगे और तिलैया डैम, इसकी भी तस्वीर हमने पहले आपको भेजी है, तो उसमें ये बराकर नदी पर बना हुआ है। तो जैसे उत्तरी कोयल था, उसी प्रकार से दक्षिणी कोयल है और ये सिमडेगा, सिंहभूम और गुमला। और दक्षिणी कोयल के किनारे में आप जाएंगे तो मनोहरपुर होते हुए ये नदी जो है, फिर कोयल कारो परियोजना भी इसके ऊपर बनाया गया है और ये उड़ीसा की ओर चली जाती है। इसी प्रकार से गुमानी नदी है गुड्डा जिले में, ब्राह्मी नदी है दुमका जिले में, मयूराक्षी का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, देवघर के पास है। इस नदी में त्रिकुट पहाड़ी जो आप सुनते हैं, ये मयूराक्षी रिवर पर ही है और यहाँ से ये सीधा चली जाती है बंगाल के साइड में, जहाँ पर मयूराक्षी परियोजना जो हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट है वो चलाई जा रही है। और एक नदी देवघर से आप देखेंगे तो अजय नदी का नाम है और एक संजय नदी है, ये चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है संजय नदी। रोड़ो नदी भी है, शंख नदी का भी दक्षिणी है और ये गुमला ही एरिया में होती है और ये छोटी नदी है थोड़ी सी, और इसमें भी एक वाटरफॉल आपको मिलेगा जिसको आप सदनी घाघ कहते हैं या गुतापी घाघ भी वाटरफॉल है। और ये सारा चीज फॉल्टिंग से बना है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। फॉल्टिंग का मतलब होता है कि कोई चट्टान का बेड जो है नीचे की ओर धंस जाना, तो फॉल्टिंग का निर्माण हो जाता है। तो कई ऐसी नदियों की हम बात करते हैं
जो झारखंड से बहती हुई उड़ीसा की ओर चली जाती है, या फिर वो नदी बंगाल की ओर चली जाती है। बहुत कम नदी है जिसे सोने देखा है जो अकेले जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भूमिगत स्रोत को अगर देखा जाए, वाटर रिसोर्सेज को, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है और मैग्मा में सल्फर होता है। यही कारण है कि कभी आप राजगीर जाने का मौका मिला होगा, तो वहां पर जब आप कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसे स्किन डिजीज नहीं होता है, क्योंकि सल्फर, मैग्मा में सल्फर है, उसको पानी टच करके आ रहा है, तो गर्म पानी होता है जो राजगीर में वो चीजें हैं। और कुछ कुछ जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे जादूगोड़ा के पास में ये आपको मिल जाएगा, जिसमें रेडॉन मिलता है। शिपिंग से भी ऐसा होता है। तो हम आपको कुछ गर्म जल स्रोत है, जब आप घूमने निकले झारखंड में तो कहाँ कहाँ जाएंगे। लातेहार में आप तो वाटरफॉल देखेंगे ही, कई नदियां भी हैं, और टाटा पानी के नाम से एक यहाँ पर स्प्रिंग है जो गर्म पानी जहाँ से आ रहा है। इसी प्रकार से सूरज कुंड है हजारीबाग में, और ये अगर देखेंगे तो इसमें लगभग इसमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर होती है, राजगीर से ज्यादा है, तो ये भारत का सबसे गर्म भी आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से झुमका है, झुमका यानी कि इसको याद करने के लिए दुमका में है, झुमका दुमका में है, और रानी बहल वो भी दुमका में है, ततुलही भी दुमका में है, और सरिया पानी ये भी दुमका में है। तो सारे ये हैं गर्म पानी वाले हैं। और पाकुड़ में भी एक है बारामसिया जिसको बोलते हैं, धनबाद में भी एक है जिसको धनद या तैतुल के नाम से जाना जाता है, और टाइगर भी एक है यहाँ पर, चतरा डिस्ट्रिक्ट जाइएगा तो होगा। ये सारी जो है, जब आप घूमने निकलेंगे झारखंड में, तो वाटर स्प्रिंग, और जैसे हमने आपको बताया कि ये जो गर्म वाटर स्प्रिंग है, ये सारे में कारण होता क्या है कि कहीं से नीचे पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं आप, तो मैग्मा जो है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक यूनिफिकेशन के चलते जो है वहां पर टेम्परेचर आ जाता है पृथ्वी के अंदर, और इसके चलते पृथ्वी के अंदर सारी कुछ गर्म हो जाती है। तो टेम्परेचर के चलते वो पिघल जाता है चट्टान, और उसमें सल्फर होता है, ओलिविन होती है, पायरोक्जीन होता है, तो ये सारे तत्व उसमें मौजूद होते हैं मैग्मा में। और इसके चलते जब आप उस पानी को ग्रहण करेंगे तो बहुत सी स्किन डिजीज खास करके वो समाप्त हो जाएगी। तो आप राजगीर तो बहुत फेमस है, लेकिन झारखंड के ये सारी चीज उतनी फेमस नहीं हो पाई है। तो हम आपको ये बता दें कि इसके साथ जितनी नदी आप देख रहे हैं झारखंड का, इसमें अधिकांश रिवर जो है उसके जो वाटर स्रोत है, देखिए झारखंड में जो वाटर स्रोत है मतलब रिसोर्सेज है, कहीं कहीं पर आपको पानी बहुत नजदीक मिलता है। उसका कारण क्या होता है कि जब कभी अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक आने के बाद में नीचे से क्रैक डेवलप हो जाता है, क्योंकि हार्ड रॉक है, और हार्ड रॉक में क्रैक बन जाता है, तो जो ग्राउंड वाटर है झारखंड का वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो इसके चलते कुछ नदी का निर्माण हो जाता है, और कहीं कहीं पर आप जब देखते होंगे हैंड पाइप ड्रिलिंग करवाते समय, चापाकल के समय में, कि बहुत अधिक गहराई तक भी पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि ये पठार एरिया है जहां पर जमीन के ऊपर एक मैग्मा के डिपोजिशन होने के बाद, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद एक पठार का निर्माण हुआ था, प्लेटो बना था, और इसके चलते जो पानी है वो नहीं है। झारखंड में तीन प्रकार की ग्राउंड वाटर होती है। पहला ग्राउंड वाटर को कॉनेट वाटर बोलते हैं, जो सेडिमेंटी चट्टानों में होती है। दूसरा जुवेनाइल वाटर होता है, जो आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक में होता है। और तीसरा वेडोज वाटर होता है, जो मेटामॉर्फिक चट्टानों में होता है। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का जो पोर्शन है वहां पर चट्टानों के अंदर जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, चट्टान जब ठंडा हो रहे थे, तो उसमें धीरे धीरे करके पूरी चट्टान जो थी वो अंदर, जो उसके वाटर वेपर थे वो अंदर में एक जगह पर स्थित हो करके और वहां पर पानी को जमा करने लगे,
और अगर ड्रिलिंग यहाँ पर हो जाए तो अच्छा होता है। इसलिए ज्यादा ड्रिलिंग कराई जाती है क्योंकि उसमें एक तो ये भी चीज देखना है कि अगर परमिएबल और पोरोसिटी, पोरोसिटी और परमिएबिलिटी ये दो चीजें होती हैं तो नदी सूखेगी नहीं, और नदी में पानी अक्सर रहेगा। चापाकल भी आपका कभी नहीं सूखेगा, कुआं नहीं सूखेगा। तो ये झारखंड में जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ की नदी के बारे में, और साथ में नदी के साथ हमने बताया आपको जितने भी वाटरफॉल हैं। जब आप टूर पे निकले तो झारखंड के इन वाटरफॉल में आप जरूर जाएंगे। तो ये और साथ में जितनी नदी है झारखंड की, और आप उत्तरी झारखंड को अगर देखें, नॉर्दर्न पार्ट को, दक्षिणी छोटा नागपुर को देखें, तो पठारी इलाका होने के चलते यहाँ पर रेडियल पैटर्न भी विकसित हुआ है नदी का। लेकिन नदी चूंकि हार्ड रॉक एरिया से बहती है, इसलिए झारखंड की नदी भी बहुत बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है। सोनेकर नदी को आप देखें, ये नदी हालांकि गंगा से बहुत पुरानी है, लेकिन जब आप गंगा को देखेंगे तो उसकी जो डेल्टा है वो ज्यादा बड़ी है। कारण क्या है कि वो सॉफ्ट चट्टानों पर बह रही है, बालू पर बह रही है, तो ज्यादा काट पाती है। लेकिन जब स्वर्णरेखा नदी हार्ड रॉक से बहती है तो ये उतना नहीं काट पाती। आप रांची के पास इस नदी की चौड़ाई को देखेंगे तो बहुत कम चौड़ी है, और धीरे धीरे फिर वो नदी रांची से तमाड़ होते हुए दशम वाटरफॉल इसके ऊपर फिर जमशेदपुर में आती है, और यहाँ से फिर ये नदी दीघा के पास जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये हम आपको झारखंड के सीरीज का पहला वीडियो आपको भेज रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप और भी हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, विनेज आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बेल आइकन को भी दबा देंगे तो आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। और फिर आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में सेक्शन वाइज सभी चीजें दी हुई हैं। आज जो हमने बताया है ये झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड सचिवालय, JSSC के सभी परीक्षाएं, पंचायत सचिव, झारखंड का राजस्व सचिव, झारखंड का एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम, झारखंड का दरोगा परीक्षा, झारखंड टेट हाई स्कूल टीचर झारखंड का, झारखंड के लेक्चरशिप का परीक्षा, ये सारी चीजों में आपको ये काफी सहायता होगा। और बहुत से बच्चों ने ये भी कहा था कि उन्हें मेंस के लिए भी सामग्री दी जाए, तो हम आपको उसके लिए भी, ये लगातार हमारा एक नया सीरीज ये चल रहा है जिसमें झारखंड के जो बच्चे और बाहर के भी जो बच्चे झारखंड की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में, आज से झारखंड का एक प्लेलिस्ट होगा अलग से, और उस पर आप जरूर से इसको देखिएगा। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि आप एकदम से इस बार जो झारखंड की जो भी एग्जाम होगी वो आप पास जरूर कर जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और लग रहा हो कि इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है बच्चों को जब वो तैयारी करते हैं, काफी बुक पढ़ना पड़ता है, यूट्यूब में भी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो होती है, तो हमने कोशिश किया है कि कम चीजों को बताया